नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर 104 और डेली टिप्स के लेक्चर नंबर 10 में आज हम सीखेंगे कि दोस्तों गूगल ट्रांसलेट बहुत अच्छा फीचर है और गूगल ट्रांसलेट का उपयोग कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, आप बोलोगे तो वैसे ही गूगल ट्रांसलेटर आपको ट्रांसलेट करके देगा। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, आप बोलो और गूगल ट्रांसलेट कर देगा, तो कैसे करते हैं। चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके गूगल क्रोम यानी आप किसी एक ब्राउजर को ओपन कीजिए। मैं अपने केस में गूगल ब्राउजर को ओपन करता हूँ। जैसे गूगल क्रोम को मैंने ओपन किया, गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद जहाँ आपका प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा हो वहां पे 9 डॉट्स वाला एक गूगल ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा। गूगल ऑप्शन पे जाएंगे, ऐप पे जाएंगे तो आपको वहां ट्रांसलेट नाम के एक गूगल की एक प्रोडक्ट दिखाई देगी। इस प्रोडक्ट पर क्लिक करने पर आपके सामने गूगल ट्रांसलेटर ओपन हो जाएगा। चलो गूगल ट्रांसलेटर ओपन होते ही आपको वहां पर एक बात दिखाई देगी, दो बॉक्स होंगे, दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट है डिटेक्ट लैंग्वेज, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने पर बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको वर्ल्ड की बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ दिखेगी। चलो हमारे केस में यहाँ हम हिंदी लैंग्वेज पर क्लिक करते हैं और सामने होता है ट्रांसलेशन फॉर्मेट। ये इनपुट है और ये राइट साइड जो आता है वो आउटपुट ऑप्शन है। वहाँ पे कौन सी भाषा में आपको आउटपुट लाना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट तीन तो रहते हैं, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, और उनके अलावा कोई और भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन चलो हम यहाँ पे इंग्लिश रखते हैं। इंग्लिश पे जो यहाँ हम बोलेंगे वो वहाँ यहाँ लिखाई देगा और उनका इंग्लिश में ट्रांसलेटर यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलो दोस्तों एक बार चेक करके देख लेते हैं। यह आपको नीचे वाले कॉर्नर में टर्न ऑन वॉइस इनपुट, यह जो बोलने वाला माइक्रोफोन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम जो बोलेंगे वो यहाँ टाइप होगा और यहाँ पे ट्रांसलेट होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर वो एक्टिव होगा। एक दिन मैं जंगल में गया था, बहुत अंधेरा था और बारिश भी बहुत आ रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं आगे बढ़ता ही रहा। और अब मैंने ये एक्टिव ऑफ कर दिया है, यानी कि मैंने और वॉइस इनपुट ऑफ कर दिया। देखो अब यह इंग्लिश में हो गया, हिंदी में था, एक दिन मैं जंगल में गया था, बहुत अंधेरा था और बारिश भी बहुत आ रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं आगे बढ़ता ही रहा। तो वैसे ही वेंट टू द फॉरेस्ट इन वन डे, इट वॉज वेरी डार्क एंड रेन वॉज कमिंग टू मच, बट आई डिड नॉट लूज करेज एंड केप मूविंग फॉरवर्ड। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको गूगल ट्रांसलेट करके देगा। यहाँ पे आपको सुनने वाला एक वॉल्यूम का आइकॉन दिखाई देगा, लिसन। जैसे आप क्लिक करोगे तो जो लिखा ट्रांसलेट होकर आया है उससे आप सुन भी पाओगे। Went to the forest in one day, it was very dark and rain was coming too, but I did not lose courage and I kept on moving. तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप सुन भी सकते हो और ट्रांसलेट कर भी सकते हो। फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूले और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो जो मैं नए वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा वो आसानी से आप देख पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास। गुड बाय।